जिस यात्रा में कुछ नहीं होता है और नीतीश कुमार जी का सिर्फ नाटक हो रहा है। जेट प्लेन और हेलीकॉप्टर वाले मुख्यमंत्री है, जनता की समस्या है। रात को रुकिए, गाँव में रुकिए, तब तो पता चलेगा कि समाधान कर रहा है। कोई उम्मीद नहीं रह गया। बिहार में नीतीश कुमार का शासन रिमोट से चल रहा है और एक बार फिर से शासन को देखकर लालू यादव के जंगल राज की याद आ रही है। छपराकांड पे विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि छपरा के मुबारकपुर में 3 युवकों पर हमला और 2 की मौत के बाद पिछले 10 दिनों से यहां कर्फ्यू लगा है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सुशासन कहां है? मुख्यमंत्री कौन सी समाधान यात्रा में है? उन्होंने कहा कि सरकार में लालू यादव का एजेंडा लागू किया जा रहा है। पटना ही नहीं बल्कि कई जिलों में लगातार हत्याएं हो रही है, जनता त्रस्त है। वहीं सीएम चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस्तीफा देकर नीतीश कुमार जी बिहार को मुक्ति दे दीजिए। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश अब बूढ़े हो गए हैं और बिहार की जनता उनको कुटिया में भेजने का काम करेगी। आप यदि सत्ता पक्ष है तो हमारा विपक्ष का धर्म है कि हम जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करें, और नीतीश कुमार जी आराम से समाधान यात्रा, जिस यात्रा में कुछ नहीं होता है और नीतीश कुमार जी का सिर्फ नाटक होता है, नाटक करने जिले में जाते हैं, कोई प्रोटोकॉल का नियम पालन नहीं होता है। नीतीश कुमार जी रोज पटना आते हैं, हेलीकॉप्टर से समाधान यात्रा करने जाते हैं। ये हेलीकॉप्टर वाले मुख्यमंत्री हो गए, देखो प्लेन खरीद रहे हैं ना, जेट प्लेन। तो ये जेट प्लेन और हेलीकॉप्टर वाले मुख्यमंत्री है, जनता की समस्या ने, अरे रात को रुकिए, गांव में रुकिए, तब तो पता चलेगा कि समाधान करना है। ये हेलीकॉप्टर से और जेट प्लेन से रोज पटना आने का प्रयास करते हैं। तो इस मुख्यमंत्री जी से अब कोई उम्मीद नहीं रह गया। पटना में आप रोज देख रहे होंगे, कल जिस तरह 0 माइल पर फिल्मी स्टाइल में हत्या हो रहा है, DAV के पास महिला की हत्या की गई, लगातार पटना में पिछले 7 दिनों में 15 से अधिक हत्या हो चुकी, और नीतीश कुमार जी आराम से समाधान यात्रा कर रहे हैं। वो अपने जीवन का समाधान कर रहे हैं, बिहार की जनता को उन्होंने छोड़ने का काम किया। बिहार की जनता से उनको कोई प्रेम नहीं रह गया, अब सिर्फ और सिर्फ अपने 2025 तक कुर्सी पर कैसे बैठे रहे इसके लिए दिन काटने का काम कर रहे हैं, समाधान नहीं कर रहे। जनता का कोई भलाई नहीं हो रहा है। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए News24 अब JioTV पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से News24 ऐप।